नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में RRBMU यानी कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य वृष्टि के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों की परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर, साथ में आपकी बीएड की परीक्षाओं को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। क्योंकि आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि जो बीएड की परीक्षाएँ हैं वो कब से स्टार्ट हो सकती है, साथ में जो टाइम टेबल है वो कब से आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर दो बड़ी अपडेट आई है, दोनों मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि आपके किन किन सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं, और बाकी जो आज आपके रिजल्ट है कौन कौन से जारी हो सकते हैं, साथ में जो बच्चे भी रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे, इसी वजह से मैंने आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए प्रॉपर बना दिया है और इसमें बिल्कुल आप क्लियरली देख पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपडेट के बारे में, जो अपडेट आई है वो क्या आई है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस साइड आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टाइम टेबल जारी नहीं होने से परेशानी बढ़ी, समय से परीक्षाएं नहीं हुई तो द्वितीय श्रेणी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे छात्र। जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, साथ में बीए बीएड, बीएससी बीएड, इसके बाद में मैं रिजल्ट की भी बात करने वाला हूँ, तो वीडियो पर पेशेंस बनाकर आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। फर्स्ट में देख सकते हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी ने अभी तक सत्र 2021-22 के बीए बीएड, बीएससी बीएड की परीक्षाएं आयोजित नहीं की, जिससे छात्र असमंजस और तनाव में है। दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय ने पहले ही बीएड और बीएससी बीएड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है और परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू भी है, यानी कि जो सितंबर है यानी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट वीक से ही परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है आरयू की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की। लेकिन अभी तक मत्स्य यूनिवर्सिटी का कोई अता पता भी नहीं है कि बीएड की परीक्षाओं की जो डेट है वो भी संभावित डेट है वो भी घोषित नहीं हुई है। इसी के साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी में टाइम टेबल तो दूर की बात, अभी तक परीक्षाओं की संभावित तिथि तक नहीं बनाई गई है। साथ में छात्रों का कहना है कि इंटीग्रेटेड बीएड के प्रत्येक सत्र की परीक्षा कभी भी समय पर नहीं हुई है। इंटीग्रेटेड का आप मतलब समझ गए होंगे, जितने भी बीए बीएड, बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, ऐसे में 4 साल का यह कोर्स अब 5 साल का होता नजर आ रहा है। परीक्षा इस देरी से सबसे ज़्यादा प्रभावित बीए बीएससी बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों की माने तो यदि अंतिम वर्ष का सत्र देर से पूरा होता है तो छात्र दिसंबर में आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक की आगामी रिक्तियों में भाग नहीं ले सकेंगे, यानी कि जो सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है शिक्षक की, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे अगर टाइम से ही आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाई तो। और इसी के साथ में इधर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक आर्य का कहना है कि टाइम टेबल तैयार हो चुका है, सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं शुरू करने की योजना है, छात्र अपनी तैयारी जारी रखे, 1 या 2 दिन में टाइम टेबल जारी हो सकता है। यानी कि आपका जो टाइम टेबल है 1 या 2 दिन में, यानी कि जैसे कल तक, या आपका मुझे जहाँ तक लग रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो सकता है, और 15 सितंबर के बाद में आपकी परीक्षाएँ हैं वो प्रॉपर रूप से स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के बाद में जो आपकी रिजल्ट को लेकर अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जितने भी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्र हैं, राजऋषि महाविद्यालय ने जो घोषित किए रिजल्ट है वो निम्न है कि राजऋषि महाविद्यालय ने सत्र 2021-22 की बीएससी सेकेंड ईयर व चतुर्थ सेमेस्टर बायोलॉजी, गणित, रसायन ऑनर्स व गणित ऑनर्स ड्यू परीक्षा व बीएससी छठे सेमेस्टर नियमित व ड्यू परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम गोपनीय शाखा की वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। बाकी आपके जितने भी जो एक तरह से रिजल्ट है, बचे हुए रिजल्ट है, आपके जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, आपके जितने भी रिजल्ट बचे हुए हैं वो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में ही जारी होने वाले हैं। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, इसमें जो लापरवाही की जा रही है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही है। अगर यूनिवर्सिटी चाहती तो अब तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर देती, क्योंकि अब तो आपके जो इलेक्शन है, इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं और बीएड के छात्रों को भी जा रहा है अपनी परीक्षाओं के टाइम टेबल को लेकर, तो यूनिवर्सिटी को रिजल्ट भी जारी करना है, साथ में बीएड के जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवाने हैं। तो आपका जो रिजल्ट है सितंबर के फर्स्ट वीक से आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक आप वेट कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं कि आप वेट कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन है भी नहीं। अगर होता तो आपको मैं यहां पर क्लियर कर देता। बाकी आपको वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो बीकॉम फाइनल ईयर, साथ में बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट जारी हो चुके
चुके हैं, नेक्स्ट रिजल्ट आपका बीकॉम सेकंड ईयर का या बीए फाइनल ईयर का जारी होने वाला है। लेकिन जो बीए सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो काफ़ी लेट जारी होगा, तब तक आपको वेट ही करना होगा। बाकी वीडियो में आए आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पार्ट भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।